साथ में हूं विवेक और इस वक्त की बड़ी खबर है गायक पवन सिंह के बारे में जो चुनाव लड़ने वाले हैं। काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है पवन सिंह ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर पवन सिंह ने जानकारी दी है कि वे चुनाव लड़ेंगे और काराकाट से लड़ेंगे। बिहार से चुनाव लड़ने की उन्होंने जानकारी दी और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, जिसकी सूचना उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं, सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह उम्मीदवार हैं। ऐसे में दो धुरंधरों से मुकाबला है पवन सिंह का, क्योंकि उन्होंने ये इस बात की जानकारी दी है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। और ये देखिए समीकरण कुछ ऐसा होगा, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से आरएलएम के कैंडिडेट हैं, हालांकि एनडीए में शामिल इनकी पार्टी है। राजा राम सिंह सीपीआईएमएल, काराकाट से सीपीआईएमएल ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। पवन सिंह जो कि निर्दलीय खड़े होंगे। और ये देखिए सोशल मीडिया पर उन्होंने जो लिखा है कि उन्होंने अपनी इच्छा जो है जाहिर कर दी कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। रजनीश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रजनीश, आखिरकार मन बन गया पवन सिंह का कि चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल विवेक, देखिए पवन सिंह की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और वो इंतज़ार में थे कि पवन सिंह जो है क्या स्टेप उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा मौका दिया था आसनसोल से। हालांकि आज आसनसोल से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, उसके ठीक बाद पवन सिंह ने भी एक तरह से ट्विटर पर अपनी घोषणा कर दी है। और अब ये क्लियर हो गया है कि पवन सिंह अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे और काराकाट से लड़ेंगे। यानी एक तरफ जो है महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए और तीसरी तरफ जो है निर्दलीय से जो है पवन सिंह जो है चुनावी मैदान में काराकाट से होंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वहां पर एक तरह से एनडीए से हैं और पवन सिंह जो है अब सीधे जो है उनका मुकाबला माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर पवन सिंह ने ट्विटर पर ये अभी ट्वीट कर दिया है और कहा है कि मैंने निश्चय किया कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से ही लड़ूंगा। तो अब नॉमिनेशन की तैयारी होगी और कुल मिलाकर ये कहें कि भोजपुरी इलाका है और पवन सिंह इशारा भी दे रहे थे, चाहे वो पश्चिमी चंपारण से लड़ें, पूर्वी चंपारण से लड़ें, आरा से लड़ें, बक्सर से लड़ें, लेकिन लड़ेंगे तो भोजपुरी इलाके से ही लड़ेंगे जहां पर उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। एक, एक, एक सवाल और भी था रजनीश की, इससे पहले ये जानकारी थी कि कहीं ना कहीं से चुनाव तो लड़ेंगे और न्यूज 18 से जब उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं इच्छा जताई थी और ये सवाल उनसे पूछा गया था जिस आरा वाली सीट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आरा में कहां गड़बड़ हो गया और बीजेपी ने जब इन्हें लड़ाने का मूड बनाया तो उन्होंने इनकार कर दिया, अब काराकाट आए हैं तो सिर्फ भोजपुरी ही महत्व रखता है कि उसी बेल्ट से लड़ना है जहां पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है, या फिर कुछ और मंशा है इनकी? देखिए बीजेपी के ये पुराने कार्यकर्ता हैं पवन सिंह और काफी इन्होंने प्रयास किया कि आरा से इन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन आरके सिंह चूंकि सुलझे हुए नेता हैं, बहुत सारा उन्होंने काम कर दिया है आरा में, ओवरब्रिज से लेकर सड़क निर्माण हो या फिर बाकी जो भी काम है उन्होंने बहुत काम पहुंचाया है धरातल पर। ऐसे में बीजेपी के लिए एक मुश्किल थी कि आखिर आरके सिंह का पत्ता कैसे काटें, तो पवन सिंह जो है उनका वहां पर एक तरह से नहीं चल पाया और आरा की जगह उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में आसनसोल से टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने इनकार कर दिया। हालांकि उसके बाद भी बीजेपी का इन्होंने इंतजार किया है, लेकिन आज आसनसोल से एक तरफ जहां घोषणा होती है प्रत्याशी की, दूसरी तरफ पवन सिंह काराकाट से घोषणा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि आखिर अब एनडीए और पवन सिंह से कहीं टक्कर ना हो जाए या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगी, लेकिन स्थिति जो भी हो फिलहाल ये क्लियर हो गया है कि अब पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे और जो भोजपुरी के दर्शक हैं, जो उनके फैन फॉलोअर हैं, वो अब जो है जो इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार भी खत्म हुआ। अब वोटिंग की बारी होगी और देखना होगा कि आखिर जीत का चेहरा काराकाट से किसके सर पर बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। तो पवन सिंह के बारे में सूचना अभी साझा कर रहे थे रजनीश। चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह, मन बना लिया है और काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और पवन सिंह। पवन सिंह हालांकि यहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से ताल ठोकेंगे, जिसकी इच्छा उन्होंने जता दी है सोशल मीडिया के जरिए।